सभी को राधे राधे। आज हम लोग एस्ट्रोलॉजी के इस वीडियो में मेष लग्न में बनने वाले 8 प्रमुख राजयोगों के बारे में जानेंगे बिल्कुल सरलतापूर्वक। साथ में ये भी जानेंगे कि उनका फल किस एज में या किस दशा में प्राप्त होगा और क्या फल प्राप्त होगा। ठीक, तो ये मेष लग्न का चार्ट है। मेष लग्न की शुरुआत 1 नंबर से होती है। ठीक, तो जो पहला राजयोग है उसको समझ लीजिए। तो जिनकी भी मेष लग्न है उनकी इस खाने में जहाँ पर 7 नंबर लिखा हुआ है, अगर शनि बैठा हुआ है और साथ में चंद्रमा बैठा हुआ है, ठीक, उसके साथ में गुरु यहाँ पर बैठा हुआ है और सूर्य यहाँ पर बैठा हुआ है, तो ये आज के टॉपिक का पहला राजयोग है कि सूर्य यहाँ पे, चंद्रमा शनि 7 नंबर पे और गुरु 9 नंबर पे। अब इसके बाद में दूसरा जो पार्ट है, दूसरा राजयोग, वो जान लेते हैं। ये जो राजयोग है इसमें फल क्या प्राप्त होता है कि इन्हीं दशाओं में जिन ग्रहों की वजह से ये बना उन्हीं की दशाओं में इस राजयोग की प्राप्ति होती है, जिसमें धन का लाभ और नौकरी में पदोन्नति, बिजनेस में लाभ, कुल मिलाकर लाभ अत्यधिक मिलता है। ठीक, तो अब दूसरे राजयोग के बारे में बात करते हैं। तो मंगल अगर यहाँ पर बैठा हुआ है, ये मंगल, और गुरु यहाँ पर बैठा हुआ है अगर, तो ये दूसरे प्रकार का राजयोग है मेष लग्न की कुंडली में। इसमें भी सेम वही होगा, लाभ, धन का लाभ, और साथ में अगर बिजनेस कर रहे हैं तो उस बिजनेस में इतनी ज़्यादा उन्नति करेंगे इन्हीं ग्रहों की दशाओं में, और साथ में स्वास्थ्य का लाभ भी। कुल मिला के सभी प्रकार के लाभ आज के इस टॉपिक में व्यक्ति को मिलेंगे, तो ध्यान से देखिएगा इसको। तो ये दूसरा हो गया। अब जानते हैं तीसरा जो है वो कैसे बनता है। तो सूर्य और चंद्रमा अगर एक साथ यहाँ पर बैठे हों, ठीक, सूर्य चंद्रमा, इसको मिटा देते हैं, मेष लग्न में सूर्य चंद्रमा साथ बैठे हों और मंगल यहाँ पर बैठा हो, ये हो गया मंगल, और उसके साथ में शनि यहाँ पर बैठा हो और बृहस्पति यानी गुरु यहाँ पर बैठा हो, तो ये अपना नेक्स्ट राजयोग है। इसमें भी सेम वही फल प्राप्त होंगे, इनसे ये जो ग्रह लिखे हुए हैं इन्हीं ग्रहों की दशाओं में या अंतर दशाओं में इसका लाभ आपको पूरा का पूरा मिलेगा। ठीक, शर्त इसमें ये है कि जिन ग्रहों की वजह से ये राजयोग का निर्माण हो रहा हो उन ग्रहों की डिग्रियां 10 से लेकर 25 के बीच में होनी चाहिए, इससे कम ना हो, और इससे ज़्यादा अगर ना हो तो बहुत अच्छा रहेगा, पूरा का पूरा अच्छा रिजल्ट आपको प्राप्त होगा। ठीक, अब उसके बाद में अगले की बात कर लेते हैं। तो अकेला सिर्फ सूर्य और चंद्रमा यहाँ पर बैठा हो तो ये भी एक राजयोग जैसा फल प्रदान करेगा इन्हीं अंतर दशाओं या दशाओं में, जैसे सूर्य की दशा है, महादशा है, और चंद्रमा की महादशा या अंतर दशा है, इसी दशा में ऐसे जातक को बहुत अच्छा लाभ मिलेगा, धन के मामले में भी और सभी मामलों में कुल मिलाकर। अब इसके बाद में अगले की बात कर लेते हैं। तो अब जो है वो गुरु यहाँ पर बैठा हो आपका, और शनि और चंद्रमा एक साथ, ये शनि ये चंद्रमा एक साथ यहाँ पर बैठे हो और सूर्य यहाँ पर बैठा हो, तो ये भी एक प्रकार का प्रबलतम राजयोग है, बहुत अच्छा इसका रिजल्ट होता है। ठीक, फल इन्हीं दशाओं में मिलेगा जिन ग्रहों से ये राजयोग बन रहा है। ठीक है, अब बात करते हैं अगले राजयोग की। तो इसमें अब ध्यान दीजिएगा, सूर्य चंद्रमा और मंगल एक साथ मेष लग्न में बैठे हों, ये हो गया सूर्य चंद्र और मंगल, ये एक साथ बैठे हों। ठीक है, अब उसके साथ में बुध और शुक्र और शनि यहाँ पर वृष राशि पर, या वृष, ये जो 2 नंबर का खाना, ये धन का भाव है मेष लग्न वालों के लिए, तो बुध शुक्र और शनि यहाँ पर बैठे हों, बुध शुक्र और शनि, ये शनि हो गया। ठीक है, अब उसके बाद में
गुरु धनु राशि में बैठा हो तो ये भी एक प्रबलतम राजयोग जैसा फल प्रदान करेगा इन्हीं दशाओं में। ये सारे राजयोग अगर किसी की कुंडली में एक या दो अगर मिल भी रहे हैं, ये आठ हैं टोटल, अगर एक या दो भी बन जाए तो बहुत अच्छा उस व्यक्ति को रिजल्ट इसका प्राप्त होता है। अब बात करते हैं इसके आगे की। तो बुध आपका यहाँ पर बैठा हो, उसके बाद में गुरु जो है उच्च राशि में इस जगह बैठा हो तो ये भी राजयोग जैसा फल प्रदान करता है। ठीक, उसके बाद में अब आगे की बात कर लेते हैं। सूर्य अकेला यहाँ पर मेष राशि पे बैठा हो, बाकी ग्रह कहीं पर भी हो, लेकिन इसकी जो डिग्री है वो 10 से 11 के बीच में होनी चाहिए, तो ये अकेला ही प्रबलतम राजयोग जैसा फल व्यक्ति को प्रदान करेगा अपनी महादशा में या फिर अंतरदशा में। तो ये थे आज मेष लग्न के 8 प्रमुख राजयोग। किसी की भी कुंडली में अगर इनमें से एक भी है तो वो बहुत ज़्यादा सौभाग्यशाली व्यक्ति है, उसको निश्चित ही बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो उम्मीद है आप सब अच्छे से समझ गए होंगे। आज के लिए बस इतना ही। राधे राधे।